बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 16 के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। पहले हमने केमिकल बॉन्ड डिस्कस किया, केमिकल बॉन्ड के टाइप डिस्कस की, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अब जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसा कि इंटर का मतलब इन बिटवीन है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स पाई जाती है उस फोर्स को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। The weak forces present between molecule is called intermolecular force. इसका मतलब ये weak force हैं, कमजोर forces हैं as compared to that of chemical bond. जैसे कि example के अंदर जो है hydrochloric acid एक molecule है हमारे पास, दूसरा hydrochloric molecule है, इसके अंदर ये dotted line वाली जो हमारे पास forces जाहिर की गई हैं, इसका नाम है intermolecular force. क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रखा गया है। और ये हमारे पास H और Cl के दरमियान एक लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि फोर्स विच होल्ड द एटम इन द मॉलिक्यूल, जो एटम को मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ के रखती है वो फोर्स है। अब देखें इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा जो है आप इसकी एनर्जी से लगा सकते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को उसके एटम के अंदर मेड उसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 430 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसके अलावा ये फोर्स जो है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान है, इसको खत्म करने के लिए हमें 70 किलो जूल जो है एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे कि एनर्जी कंपेयरमेंट से जो है आपको नजर आ रहा है कि ये एक वीक फोर्स है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या होती है। जैसा कि डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है, डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब सिरे। मीन टू से ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज, जैसा कि हमने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से मॉलिक्यूल के एक सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे सिरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल जो है वो पैदा हो जाता है। जब डाइपोल पैदा हो जाता है तो दो डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल तमाम किस्म की जो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, वो चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चाहे वो हमारे पास डाइपोल डाइपोल मोमेंट है, या फिर कोई भी दूसरी फोर्स है, वो सब की सब फोर्स जो है वो हमें एक नेम देते हैं, उसने उसका नेम है वंडर वाल फोर्सेस। ऑल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वंडर मॉलिक्यूलर फोर्स। वंडर वाल फोर्सेस दे आर इलेक्ट्रिकली इन नेचर। इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या है, इट्स मीन इसके ऊपर दो चार्जेस होंगे, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। आपको पता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या आता है और नेगेटिव चार्ज क्या आता है। तो वंडर वाल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकली इन नेचर है। तो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से करेंगे। द इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट और टेंपरेरी पोलर मॉलिक्यूल, इट्स मीन कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंट होता है, वो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से होता है, और एक टेंपरेरी होता है जो पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्शन शो होती है तो थोड़े अर्से के लिए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल की मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से टेंपरेरी डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी फोर्स जो पोलर परमानेंट मॉलिक्यूल के दरमियान या फिर
पोलर मॉलिक्यूल जो हमारे पास आदि तौर पर बनते हैं उनके दरमियान पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से इसके एक सिरे पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है, इट्स मीन कि ये हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल तीन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो दिखाए गए हैं। अब ये दो पोलर मॉलिक्यूल इसका मतलब इसका भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये डाइपोल डाइपोल के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है ये डॉटेड लाइन से दिखाई दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि नीचे दिखाया गया है ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सिरे पे जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, मीन टू से ये डाइपोल है और दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल है। ये डाइपोल और ये डाइपोल जो है इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो हमारे पास परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान पाई जाती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल साइज है और उसके ऊपर जो है पार्शियल पार्शियल चार्ज आ जाता है जब कोई कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और फॉर एग्जांपल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है, हाँ अमूमन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ये तीन ऐसे एटम हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट कर देते हैं और उसकी वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाता है वो पोलर बन जाता है। तो हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मीन टू से कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो आता है और इसका बॉन्ड बनता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से आता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरा मॉलिक्यूल जो है अगर मौजूद होगा उसके नजदीक जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, उनके दरमियान हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा हो जाएगी, उस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि दिखाया गया है ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं और इसी तरीके से जब दूसरा मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाला इसके करीब आता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डॉटेड लाइन से जारी की गई है ये पैदा हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि हमने कहा कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव अनदर एटम जो है नेगेटिव जो एटम है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। याद रखना है कि ये हमेशा जो है जो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, मीन टू से मॉलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डेंसिटी वगैरह जो है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे कहते जो ये अफेक्ट करती हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाई ये ऐसा क्यों है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। इसका आंसर हमारे पास ये होगा कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास दो हाइड्रोजन एटम है
दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ग्रेटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हाइल दैट ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पास एक ही हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन जो है वाटर से कम होगा। इसी वजह से वाटर जो होता है हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है बॉयल होता है, और हमारे पास जो अल्कोहल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, इस वजह से वो हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो बॉयल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन द वाटर, आइस जो है बर्फ और पानी के ऊपर क्यों तैरती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारा फिनोमेना जो है वो शो होता है। आपको पता है लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वो फ्रीज होते हैं एक जगह पे उनकी मोशन जो है रुक जाती है, तो उस वक्त बहुत सारी इंपिटेड स्पेस जो है वो रह जाती है, इस वजह से बर्फ जो है वो लेस डेंस हो जाती है। मीन टू से डेंसिटी जो है बर्फ की, जैसे कि हमने कहा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है होती है, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब जैसे जैसे कि नजर आ रहा है कि ये हमारे पास डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो जाने की वजह से अब जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। आपको पता है कि लेस डेंस चीजें होती हैं वो ऊपर होती हैं लिक्विड के, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होती है, इसी वजह से जो हमारे पास आइस होती है वो फ्लोट करती है ओवर वाटर।